हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही हेल्दी सी और टेस्टी सी रेसिपी जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है और आप ब्रेकफास्ट में इसे खा सकते हैं। एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है ये, वो भी ओट्स से बनाएंगे हम। जी हाँ, ओट्स से हम बनाएंगे आज। इसको हम कहते हैं ओट्स स्टीम्ड केक। जी हाँ, इसे हम स्टीम करके बनाएंगे और बहुत ही हेल्दी होती है। आप सुबह सुबह जब ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आपको कुछ खाना हो तो आप जल्दी से बना सकते हैं इस डिश को। और इसे हम मैंगो के साथ बनाएंगे। जी हाँ, हम ओट्स को मैंगो के साथ ब्लेंड करके बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी भी होता है जब आप मैंगो के साथ खाते हैं। और इससे पहले मैंने डेट्स के साथ बनाया था, आप अगर चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। डेट्स के साथ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये, और उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक दी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस रेसिपी को बनाते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स इसमें लगते हैं बनाने के लिए और बहुत ही आसानी से भी बन जाता है, बहुत ही हेल्दी भी है। तो चलिए चलते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए हम बनाते हैं अपने ओट्स स्टीम्ड केक। और जो लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं और बनाते हैं स्टीम्ड ओट्स पुट। इसके लिए हमें चाहिए एक बड़ा स्लाइस किया हुआ मैंगो, एक बॉल ओट्स, हाफ बॉल ग्रेटेड कोकोनट और हाफ बॉल सूजी। अब हम सबको एक बॉल में मिक्स कर लेंगे। पहले हम ओट्स लेंगे, उसके बाद हम सेमोलिना लेंगे, सूजी, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक डालने के बाद आप इसमें पानी डालिएगा धीरे धीरे, ग्रेजुअली, और इसको गीला होने के लिए इसको मिलाते रहिए। आपको सिर्फ गीला करना है ओट्स को, आपको ज़्यादा पानी डाल के आटे की तरह गूंदना नहीं है। धीरे धीरे पानी डालिएगा थोड़ा थोड़ा, ताकि जो है उसमें लम्स भी ना बने। तो इस तरह आप उसे गूंद लीजिए धीरे 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 धीरे, आप मिला मिला के उसको पानी की तरह उसको थोड़ा गीला कर लीजिए। आपको आटे की तरह नहीं मिलाना है इसको। आप 10 मिनट अब रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। अब 10 मिनट बाद आप एक वेसल, एक स्टीमर लीजिए, उसमें आप लेयर की तरह पहले आप कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट डालिए, उसके बाद जो हमने मैंगो पीसेस रखे हैं वो डालिए, और उसके बाद हम उसमें डाल देंगे ओट्स। और यही प्रोसेस आप पूरी जो है फुल होने तक प्रोसेस जो है फॉलो करेंगे। ये बहुत ही आसानी से बनने वाला एक डिश है जो आप सुबह जो है ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी भी है और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। आप उनको केले के साथ दे सकते हैं बनाने के साथ, बहुत ही प्रोटीन भरा हुआ एक रेसिपी है। और आप जो लोग दूध के साथ पीते हैं सुबह, दूध के साथ जो खाते हैं ओट्स को, जिनको पसंद नहीं है वो डेली रूटीन की तरह इसे भी फॉलो कर सकते हैं, इसको भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं स्टीम करके। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है ये। अब हम इसको रख देंगे अपने कुकर के वेसल नोज़ल के ऊपर स्टीम करने के लिए। इसको आप करीबन 10 मिनट तक रख सकते हैं, 10 से या तो 5 मिनट भी आप रख सकते हैं, 5 मिनट पे भी अच्छी तरह स्टीम हो जाएगा। अब देखिए हमारा ओट्स जो स्टीम किया हुआ जो केक है वो रेडी है, कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा कलरफुल आया है। और जो मैंगो का जो अरोमा है बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस एक रेसिपी है ये, आप ज़रूर ट्राई करिएगा घर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।